हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम एक एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे। जैसा कि इसमें एलईडी बल्ब है, देखिए बहुत ही पुराना एलईडी बल्ब है, 3/8/2017 का ये एलईडी बल्ब था, जो इसमें हम रिपेयर नहीं किए हैं, किसी दूसरे से रिपेयर होके ये आया हुआ है। रिपेयर होते होते ये बहुत ही दिनों में ये रिपेयर करके बहुत दिन चल चुका है। देखिए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम इसको जला के दिखाते हैं। ये है आपका बजाज, देखिए बजाज एलईडी बल्ब है, ये आपका 9 वाट का एलईडी बल्ब था। देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप खुद देख सकते हैं। देखिए तो ये बजाज जो कंपनी का एलईडी बल्ब है, ये बेहतरीन जो माना जाता है, इसका रोशनी भी अच्छा होता है। पर देखिए ये ख़राब होता है, तो देखिए किसी तरह से ये ख़राब हो जाता है, तो उसके बाद में उस तरह का जो रोशनी लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए जो इसमें लगा होता है कंपोनेंट या सर्किट या MCPCB, उसको किस तरह से आप ठीक कर पाएंगे उसके हिसाब से। तो देखिए इस एलईडी बल्ब को हम किस तरह से ओपन करेंगे और आपको दिखाते हैं पहले चेक करके। और अभी तक हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम एलईडी बल्ब का एक एक जड़ से रिपेयरिंग करने का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल को। और आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का वीडियो आपको मिलते रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में दिखाते हैं आपको कि इसमें किस तरह का फॉल्ट है। तो वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरा देख लीजिएगा, आपको 100% एलईडी बल्ब रिपेयरिंग सीख जाओगे। तो देखिए सबसे पहले हम, ये हमारा सीरीज बोर्ड का ये होल्डर है, जो हम इसको चेक करेंगे इसमें लगा के। तो देखिए हम, हमारा किसी तरह का इसमें लाइट नहीं जल रहा है। तो इसमें लाइट नहीं जलने के कारण में देखिए यहाँ पे हम कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे इस तरह से। हम, ये हमारा एक सही एलईडी बल्ब है जो हम इसमें, देखिए ये हमारा एसी कनेक्शन इस पर इनपुट है, देखिए हम इसी को ही लगाते हैं तो ये हमारा नहीं जलता है कुछ भी। देख से ये ख़राब है, तो ख़राब को ख़राब समझ सकते हैं कि ख़राब है तो नहीं जलेगा। पर देखिए हम इसको सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। ये जो ओपन करने का, देखिए ये यहाँ पे आपका ये खुल चुका है, ये रिपेयरिंग बल्ब है। तो इसके सबसे पहले देखिए, जो कस्टमर लेके गया था किसी मैकेनिक पास, तो ये किस तरह का इसमें रिपेयर किया होगा। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा ओपन किया हुआ है, तो ये ज़्यादा टाइटली नहीं होगा, ये देखिए अपने आप खुल जाएगा। तो देखिए ये जो किसी कस्टमर ने लेके गया था, तो देखिए किस तरह से ये मैकेनिक ने इसको क्या किया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इसमें SMD LED लगा हुआ था। तो ये हमारा 18 वोल्ट का ये MCPCB था, पर इसमें देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे कितने को शॉर्ट किया था, यहाँ पे कितना बचा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें बचा हुआ था, यानी कि इसमें टोटल 11 SMD LED बचा हुआ था। तो देखिए इसमें से आपका वोल्टेज जो कितना आता है, इसमें देखिए 9 वाट का LED बल्ब में देखिए आपको मिनिमम कितना वोल्टेज आना चाहिए, 80 कि समथिंग भी होना चाहिए तभी चल जाता है। देखिए उससे थोड़ा बहुत कुछ कम होता है तो भी चल जाता है, पर देखिए उससे ज़्यादा कम नहीं होता है तो नहीं चलेगा। तो चलिए हम इसको पहले आपको चेक करा के दिखाते हैं, इसमें ऐसे ही लगा लेते हैं और इसमें आपको चेक करा के दिखाते हैं कि इसमें हमारा कितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है या फिर हमारा ड्राइवर सर्किट ख़राब है। तो सबसे पहले स्टेप जो होता है वही हम करेंगे। तो देखिए हमारा जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हमने DC 200 के रेंज में सेट कर लेते हैं, ताकि ये हमारा वोल्टेज इसमें हम चेक कर पाएँ। तो देखिए हम मल्टीमीटर को यहाँ कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से पकड़ लेते हैं, और इसका माइनस प्लस को हम चेक करेंगे वोल्टेज इसमें हमारा कितना आउटपुट कर रहा है। अगर जो वोल्टेज हमने बोला है वो वोल्टेज तक हमारा मिल जाता है तो काफ़ी हद तक ये ठीक है एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर। तो देखिए इसमें हमारा, तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना वोल्टेज शो कर रहा है। तो इस तरह से देखिए हम इसको पलट देते हैं, सबसे पहले इसके मीटर की प्लाट को माइनस में दिखा रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से हम जब इसमें कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस जब लगने के बाद में देखिए यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल नहीं है, या फिर यहाँ पे टच होने में थोड़ा सा ये होता है। तो देखिए हमारा 74-75 के समथिंग इसमें वोल्टेज हमारा आ रहा है, पर देखिए इसमें हमारा वोल्टेज थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि ये ब्रांडेड कंपनी बल्ब होता है, तो क्या पता इसके अंदर में कौन सा सर्किट लगा हुआ है या फिर रिपेयरिंग हुआ बल्ब है। तो इसको हम कैसे अंदाज लगाएंगे और इसको लगाएंगे दूसरे MCPCB। तो इसका MCPCB देखिए हमारा सबसे पहले जो ख़राब दिख रहा है, इस MCPCB को हम सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सोल्डरिंग वायर का
देखिए इसको निकाल लेते हैं थोड़ा सा लगा के इसको सोल्डर से। उसके बाद में देखते हैं कि इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है और इस सेम उसी तरह का रोशनी पाने के लिए आपको कौन सा SMD LED MCPCB आपको लगाना चाहिए वो चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए इसमें कितना वोल्टेज हमारा आउटपुट हुआ है, उस वोल्टेज को आप याद रखिएगा, 74-75 के समथिंग ये हमारा वोल्टेज आउटपुट है। अगर थोड़ा सा वोल्टेज कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जलेगा पर ज़्यादा आपका फ्यूज भी नहीं होगा आपका SMD LED। तो देखिए जो होगा वो चीज़ हमें दिखाऊंगा आपको, कोई स्किप करके वीडियो नहीं दिखाऊंगा ज़्यादातर। देखिए इस तरह से, तो देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, देखिए इस तरह से। तो देखिए जो हमने क्या किया है, अच्छी रोशनी लाने के लिए क्या करना है, ये देखिए इस तरह से। ये जो अच्छी रोशनी लाने के लिए हम इस वाला MCPCB को हम नहीं लगाएंगे, ऐसा MCPCB को हम लगाएंगे इसके अंदर में। तो ये जो MCPCB है ये थोड़ा हमारा अच्छा वा क्वालिटी का है तो हम इसको ही लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको तोड़ लेते हैं यहाँ पे, इस तरह देखिए। तो ये अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे तो थोड़ा हमें अच्छी क्वालिटी में ये हमारा रोशनी मिलेगा। पर याद रहे हम इसमें हम हीटसिंक पेस्ट अभी नहीं लगाए हैं कि हम इसको टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको हीटिंग पेस्ट लगाएंगे। जिस तरह से इसका पेस्ट होता है वही पेस्ट हमें लगाना चाहिए, तभी जाके ये हीट आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा यहाँ से वहाँ तक, जहाँ इसका ये बॉडी है इसमें हाउसिंग में। इसी तरह से देखिए, तो क्या करते हैं हम इसको प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में इसमें सोल्डिंग कर लेंगे। तो देखिए हम इसको प्लस माइनस को जैसा है वैसा ही हम इसको सोल्डिंग करेंगे। तो देखिए जहाँ पे होगा माइनस वहाँ पे माइनस को करेंगे और प्लस जहाँ पे होगा प्लस को वहीं पे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो किया वही चीज़ को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सेट नहीं किए हैं, हम इसको चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ये हमारा 74-75 वोल्टेज आउटपुट कर रहा था। देखिए ये जो ब्लिंकिंग करने का कारण है, हम इसमें इसका ड्राइवर सर्किट को ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम इस तरह से कर लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो हम इसका ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे, उसके बाद में आपका ये ड्राइवर सर्किट को हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये आपका ये निकल जाएगा आपका टॉप, और इस सर्किट को निकालने के लिए यहाँ पे आपको पकड़ना पड़ेगा और ये दोनों टर्मिनल को आपको हीट करना पड़ेगा सोल्डिंग आयरन की मदद से इस तरह से, देखिए। उसके बाद में आपको, तो देखिए इस तरह से करने के बाद में ये आपका निकल जाएगा, देखिए ऐसा निकल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये एक थोड़ा सा ये टूट चुका है, यहाँ पे ये भी निकल चुका है, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें कनेक्शन कर लेंगे। पर देखिए इस ड्राइवर सर्किट में देखिए कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, पर इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन पता है, देखिए। तो हम सीधी बात कर लेते हैं, आपको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताएंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है इस ड्राइवर सर्किट में, देखिए ये जो कैपेसिटर आपका दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटर को हमें, देखिए ये वाला, इस कैपेसिटर को हम दोबारा सोल्डिंग करेंगे। इस कैपेसिटर को देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये कैपेसिटर 50 वोल्ट 4.7 UF का, देखिए यहाँ पे
4.7 यूएफ का, देखिए इसी को हम यहाँ पे दोबारा सोल्डिंग करेंगे। थोड़ा सा सोल्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट हमारा इसी में लगा हुआ है तो हम इसी को ही थोड़ा सा ये कर लेंगे और थोड़ा सा पेस्ट भी हमें लगाना ज़रूरी है ताकि एक दूसरे से शॉर्ट ना हो सोल्डिंग करते वक्त। देखिए यहाँ पे अगर कोई लूज कनेक्शन होगा होगा तो ये हमारा इसी तरह से फॉल्ट होता है। पर देखिए हम क्या करते हैं, इसको ही हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा माइनस का पॉइंट है तो माइनस को माइनस में कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए हम इसको प्लस को प्लस में ही इसको कर लेते हैं कनेक्शन। उसके बाद में देखिए हम इसको क्या कनेक्शन लगाते हैं, इस तरह का जो वायर है तो इस वायर में हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो देखिए जहाँ पे कनेक्शन है उसी पे हम कनेक्शन कर लेंगे। ये कनेक्शन यहाँ पे गया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे और फ्यूज का एक भाग देखिए यहाँ पे आया हुआ है तो हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में हम इसको कनेक्शन करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये थोड़ा हीट होकर ड्राई सोल्ड होता है तो ये प्रॉब्लम आता है, अन्यथा हम इसको नया चेंज करना पड़ेगा। देखिए अभी भी नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, हम इसका कैपेसिटर को ही चेंज करना पड़ेगा हमें। इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे, ये वाला कैपेसिटर को। तो इस कैपेसिटर को हमने बाहर निकाल ले रहे हैं पहले। तो देखिए दोस्तों इस कैपेसिटर को हमने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में देखिए इसका नंबर को दिखा देते हैं आपको, सेम टू सेम यहाँ पे देखिए 50 वोल्ट यहाँ पे देखिएगा, आपको 50 वोल्ट मिल जाएगा और 4.7 यूएफ का ये कैपेसिटर मिल जाएगा देखिए देखने को। तो इसी नंबर का सेम जो हमें कैपेसिटर हमें ढूंढना है और देखिए इसमें लगाना है कि किस तरह से। देखिए तो ये हमने पुराना सर्किट से निकाला हुआ है और इसमें ही देखिए हमारा सेम वोल्टेज का इसमें लिखा हुआ है 4.7 यूएफ का, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए ये जो हमने पुराना सर्किट से निकाला हुआ है, देखिए ये है हमारा 4.7 यूएफ का 50 वोल्ट का है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ये हमारा पुराना सर्किट इसमें देखिए जो ये हमारा ख़राब है तो इसको हमने निकाला है और ये हमारा एक पुराना सर्किट से निकाला हुआ है ये चीज़ है। तो देखिए हम इसको एक बार लगा कर देख लेते हैं कि इसमें हमारा चालू होता है या नहीं। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। तो देखिए सफाई करने के बाद में हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसमें हमारा माइनस है, माइनस को माइनस की साइड करेंगे और प्लस को प्लस की साइड में कर लेंगे देखिए इसी तरह से। उसके बाद सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्डिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट हुआ है तो इसको आपको सफाई कर लेना है। उसके बाद में इसको देखते हैं इसको कनेक्शन करके। तो देखिए कनेक्शन करने के लिए फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसमें हमारा एक कनेक्शन देंगे एसी कनेक्शन और यहाँ पे एक कनेक्शन देंगे। देखिए यहाँ पे एक कनेक्शन आ जाएगा, उसके बाद में हम इसको ही देखिए अब चालू करके देखते हैं क्या इसमें हमारा आता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको हम अभी फाइनली इसको चेक कर लेते हैं एक बार क्या इसमें हमारा जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो ये इसमें टच होने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये होल्डर में हम इसको लगा रहे हैं, आप इसको देखते रहिए। कोई आपको फेक नहीं बना के दिखाएंगे वीडियो, आपको जो रियल है वही चीज़ दिखाएंगे। पर देखिए इसमें जो टच होगा तो ये हमारा ये देखिए ये जलने लगा है, अब ये किसी भी तरह का ब्लिंकिंग नहीं है। देखिए ये हमारा होल्डर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है,
देखिए ये हमारा अब जलने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारा रोशनी बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें जो ओरिजिनल जैसा था वैसे ही हम इसमें हमारा MCPCB में ये हमारा लाइट जलने लगा है। अब देखिए ये हमने अच्छी क्वालिटी का ये MCPCB इसमें इंस्टॉल कर दिया है। देखिए तो हम इसको निकाल लेते हैं इसमें से, देखिए उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। और देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें हमारा ये कैपेसिटर हमारा ख़राब था, ये वाला कैपेसिटर देखिए ये कैपेसिटर ख़राब था और ये हमारा ये MCPCB ख़राब था। देखिए अब इतना लगाने के बाद में ये हमारा 100% ये ओके हो चुका है। देखिए तो इसी तरह से आप भी अपने घर के LED बल्ब को आसानी से ठीक कर पाएंगे। देखिए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से इसमें हीटिंग पेस्ट इसमें लगाना ज़रूरी है। इसमें हीटिंग पेस्ट लगाने के बाद में इसको हम टाइट कर देंगे इसके अंदर में। उसके बाद में आपको अच्छी तरीके से इसको पैक करके आधे से एक घंटा जला के आपको कस्टमर को दे देना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह का चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको एक एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।